बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की खबर से। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर राज्य में हर तरफ गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का बड़े ही भक्तिभाव से बाजे गाजे के साथ विसर्जन किया गया, जहां गणेश भक्तों ने नम आंखों से बप्पा को इस साल के लिए अलविदा कह दिया। हमारे प्रतिनिधियों ने विभिन्न विसर्जन घाटों पर पहुंचकर बप्पा की विसर्जन झांकियों को अपने कैमरे में कैद किया। तेरह सितंबर को घर घर में भक्तों के आराध्य विघ्नहर्ता गजानन का आगमन हुआ। बप्पा के आगमन पर समूचा महाराष्ट्र खुशी से झूम रहा था, मगर इस खुशी में 10 दिन कब बीते पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते अनंत चतुर्दशी का दिन आया, जिस दिन बप्पा की विदाई की जाती है। इतवार को अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर सभी सार्वजनिक गणेश मंडल एवं घरेलू गणपति बप्पा को लोगों ने नम आंखों से विदा किया। हालांकि मन में यह खुशी जरूर थी कि बप्पा अगले साल जल्दी आएंगे, इसलिए लोग इन विसर्जन झांकियों में खुशी से झूम भी रहे थे। क्या बच्चे क्या बूढ़े, और क्या आम क्या खास, सभी विभिन्न वाद्यों की धुन पर थिरक रहे थे। पनवेल में भी विभिन्न विसर्जन तटों पर बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जैसे बल्लाड़ेश्वर मंदिर तालाब, कोलीवाड़ा से सटी गाढ़ी नदी, पोधी और तक्का गांव के विसर्जन तट, खांदेश्वर तालाब, इन सभी जगहों पर बप्पा के भक्तों ने नम आंखों से बप्पा को अलविदा कह दिया। इन सभी जगहों पर और विसर्जन झांकियों में कोई अप्रिय घटना या अनहोनी ना हो, इस उद्देश्य से पनवेल शहर पुलिस, नवीन पनवेल पुलिस एवं खांदेश्वर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या फिर गणपति चालले गावाला, चैन पड़े ना आम्हाला के जयकारे से वातावरण सराबोर हुआ था। कुल मिला के 10 दिन चलने वाले इस उत्साह के पर्व का अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर समापन हुआ। अब गणेश भक्त फिर एक बार अपने नित्य क्रम में जुट जाएंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अगले साल बप्पा जल्दी आएंगे और भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो एडिटर बलिराम फड़के, नीरज शेट्टे एवं वीडियो जर्नलिस्ट किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। बाप्पा चालले स्वधामी।